लाइन कर दूँ, क्या करना है, नमक करना है, ठीक है। ये सारी एक्सरे दिखते था, बाकी ठीक है, बीपी ठीक है थोड़ा अच्छा ही। तो मेरे में साग अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं भी सांस लीजिए, नाक से खींचिए अंदर को, एकदम छाती के अंदर हवा जाना चाहिए। देवी सरपंच, एक्स सरपंच नरसूस है। ये जो आज सीआरपी कैंप इधर लगाया गया है, इसकी हमारे गांव को बहुत ज़रूरत थी, और ये आज से नहीं लगा रहे हैं, ये जब कोरोना काल था तब से ये लगाए जा रहे हैं। तो इन्होंने हमारे गांव में कोरोना के टाइम भी बहुत मदद की है, जैसे कि दवाइयां वगैरह बांटी कैंप लगा के, और ख़ासकर इन्होंने राशन बहुत उस टाइम हमें बांटा था, क्योंकि ये एक हमारा जो नरसूस पंचायत है, ये एक गरीब पंचायत है। तो मैं कहती हूँ अपने सीआरपी कैंप के सभी जवानों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप इधर बार बार ये कैंप लगाएं और हमारे गरीब लोगों का भला होता रहे, क्योंकि खासकर इधर लेडीज़ हैं जो, और छोटी बच्चियाँ, उनको बहुत दिक्कत आती है दूर दराज जाने में। तो इसलिए अगर ये कैंप लगाते रहेंगे तो हमारे गाँव का भला होता रहेगा। धन्यवाद, जय। मेरा नाम जीत केरनी है, मैं गाँव नरसू का रहने वाला हूँ। आज सीआरपीएफ ने 137 जो बटालियन है, स्पेशल कैंप यहाँ पे लगाया है, मेडिकल कैंप, और सुबह से ही जहाँ लोग कतारों में आ गए हैं और अपना मेडिकल चेकअप करा रहे हैं और दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। टाइम टू टाइम सीआरपीएफ जो है हमारे गाँव में कैंप लगाते हैं, हर तरह की ये सहायता करते हैं। पिछले साल इन्होंने हमारे 20 युवा जो है भारत दर्शन के लिए भेजे थे, और इस कैंप का हमारे गाँव वासियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारे जो एडजॉइनिंग पंचायतें हैं किथर, जरडी, लद्दा, समरौली, नरसू, सभी क्षेत्र से यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं। विशेषकर यहाँ पर हमारी जो माताएं, बहनें, बच्चे हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि घर के काम से उनको फुर्सत मिलती है और बड़े खुश हैं और यहाँ पर इस कैंप में भाग ले रहे हैं और अपना मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। मैं सीआरपीएफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली जो सीईओ हैं और यहाँ पे जो कंपनी कमांडर सतीश जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले लोगों में टाइम टू टाइम ये कैंप लगाएं, ताकि हमारे लोगों को स्वास्थ्य का बहुत फ़ायदा हो। धन्यवाद, शुक्रिया।